हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत है एक और नए वीडियो पे। तो गाइस, यहाँ पे पबजी वालों ने बीटा वर्जन में कुछ कुछ चेंजेस किए हैं, तो चलिए देखते हैं कि पबजी वालों ने क्या क्या गेम में चेंजेस किए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं कि इन्होंने KFC के जो रेस्टोरेंट थे, उन्होंने यहाँ पर एक नया नाम रख दिया है, KFC रॉयल रेस्टोरेंट। और इवेंट में भी इन्होंने कुछ लोगों को चेंजेस किया और इस जगह का नाम रख दिया एरोलिथ लैब। और ये जो येलो येलो सर्कल दिख रहा ना गाइस, अब ये आपको सिर्फ 3 जगहों पे देखने को मिल जाएगा। और ये जगह का इन्होंने नामकरण कर दिया है, ये अब आउटपोस्ट के नाम से जाना जाएगा। और जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ यार जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा भाई को सपोर्ट करो यार, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और पबजी वालों ने यहाँ एरोलिथ लैब पे भी कुछ चेंजेस किए हैं गाइस। जैसा कि आप सुन सकते हैं, इन्होंने जोम्बी के कुछ साउंड्स को ऐड कर दिए हैं, और जो मेन जोम्बी बॉस है उसकी एंट्री कुछ इस तरह की होने वाली है। तो बस जैसा कि आप देख सकते हैं, पबजी वाले ने जोम्बी बॉस के एंट्री को काफ़ी ख़तरनाक बना दिया और काफ़ी ख़तरनाक साउंड इफेक्ट को भी ऐड कर दिया है। तो बस हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आउटपोस्ट में हमने एक जोम्बी बॉस को नाइफ से ही मार दिया था, लेकिन ये इवेंट वाला जोम्बी बॉस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है और इसे नाइफ से नहीं मारा जा सकता। तो बस इस 2.0 इवेंट में हमें जो 2 पावर मिलने वाले हैं, तो पबजी वालों ने उसमें भी कुछ न्यू चेंजेस किए हैं। तो गाइस इसमें करना क्या है आपको, जो राइट साइड में जो आपको पावर का बटन दिख रहा ना गाइस, आपको सिंपली वहाँ पे होल्ड करना है और होल्ड करके छोड़ देना है। तो इससे होगा क्या ना गाइस, आपका जो पंच है ना वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और गाइस यहाँ पे पबजी वालों ने म्यूटेशन ब्लेड पे भी कुछ चेंजेस किए हैं। तो गाइस यहाँ पे सिंपली आपको पिछले वाले पावर जैसे इस पावर वाले बटन पे सिंपली यहाँ पे होल्ड करना है और होल्ड करके छोड़ देना है। तो गाइस इससे क्या होगा ना कि सामने वाला जो बंदा होगा उसे काफ़ी पावरफुल शॉट लगेगा और वो दूर जाके गिरेगा। तो बस यार वीडियो बस यहीं तक की थी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।